हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई के अंदर पार्ट ऑफ अन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 4, जो कि आपकी साइंस की क्लास है और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। हम कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी जूल यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक होता है जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरी की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है? 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूरी की इकाई है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है? समय किसका मात्रक नहीं है? तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। याद रखना है आपको, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, दाब का मात्रक है, तो दाब का क्या मात्रक है? 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पास्कल। पास्कल मतलब प्रेशर का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 66, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। ठीक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलोरी में माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की क्या इकाई होती है? 69 का ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 71, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई? ऑप्शन नंबर ए, करंट मापने की इकाई है एम्पियर। इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताना चाहूँगा दोस्तों, वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चंस कवर करते हैं, फिर लास्ट में उसको देखेंगे। 71, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर मापने की क्या इकाई है? ऑप्शन नंबर ए, करंट मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान एक वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? 73 का ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अदिश राशि है, तो अदिश राशि क्या है? यहाँ पर 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऊर्जा, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, संवेग। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री प्लान, जिसके अंतर्गत आपको 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव क्विजेज आपको 20,000 से ज़्यादा मिलेंगे, और T20 सीरीज़ के माध्यम से आपको यहाँ पर जो है डेली 8 बजे कराए जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत कुछ है अनअकैडमी में, तो इसके लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम, और जैसे ही आप गोल सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे इन्वाइट कोड मांगा जाएगा। इन्वाइट कोड में आपको लिखना है स्टडी आइकन, STUDY स्टडी आइकन, और उसके बाद अनलॉक करना है आपको सारे कोर्सेज। इसके अलावा अनअकैडमी आपको और भी बहुत कुछ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, आपके ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस बैचेस लेकर आए हैं अनअकैडमी, जिसमें आपके ऑल राउंड प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले मिलेगा, अगर आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक रामवाड़ कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये 60 डेज का आपका अनलिमिटेड कोर्स, क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि 60 दिनों में कंप्लीट कराया जाएगा, और इसके अंतर्गत आपको थ्योरीज दिन में कराई जाएंगी और प्रैक्टिस जो है MCQs नाइट में कराए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। 20+ से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी लिंक जो है आपकी, ये स्टार्ट हो रही है आपकी 4 जनवरी से, इस बैच को स्टार्ट किया जा रहा है, और ये एंड डेट जो आपकी है 3 मार्च है। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसको आप जरूर ज्वाइन करें, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा आप लोगों के लिए है, क्या आप अपने हिसाब से अपनी रिवीजन कर रहे हैं, अपनी ही गति से रिवीजन करना चाहते हैं अपनी स्पीड में, तो आप लोगों के लिए आया संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा 270 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास और डेली 2 घंटे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आ रहा है, तो एनरोल कीजिए आप लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए संकल्प MPPSC प्रीलिम 2020 रिवीजन बैच, जिसके अंतर्गत आपको ये दोनों लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, 20 से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट वाइज जो है सेशन रहेंगे, तो सब आप में आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड
कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए आप 10 महीने का फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको प्रीलिम की तैयारी कराई जाएगी, आपकी मार्च तक कंप्लीट करा दी जाएगी। देखिए इस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आपको 10 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों का कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स, जिसमें आपको मार्च तक का प्रीलिम का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको एमपी के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ पर सुनहरा मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ये बैच उन लोगों के लिए जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट करें, और ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा डेट, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स का एमपीपीएससी प्री निकल चुका है, उन लोगों के लिए सबसे पहले मेरी तरफ से मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों आप लोगों के लिए आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसके अंतर्गत आप अन अकेडमी के साथ अपनी सपनों की पूर्ति कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। हिंदी मीडियम के लिए बैच है, और ये 35 दिनों के लिए आंसर राइटिंग का बैच है, जिसमें आपको 35 दिनों में आपकी आंसर राइटिंग की तैयारी करा दी जाएगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा ये, तो स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए है ये 35 दिनों का बैच, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको एमपी के टॉप एजुकेटर शुभम गुप्ता सर, हरी सिंह सर, अभिषेक सर, अमित शुक्ला सर जैसे टीचरों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और इसको आपको करना है कि प्ले स्टोर से अन अकेडमी डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है एमपीपीएससी व्यापम, फिर उसके बाद प्लस में जाके आपको एनरोल करना है आपको जो भी कोर्स चाहते हैं, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से विंडो आएगी आप लोगों की, 1 महीने से 24 महीने तक के कोर्सेज रहेंगे, तो आप किसी भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, लेकिन परचेज करने से पहले याद रखिएगा आप लोग रेफरल कोड यूज़ कर लें, स्टडी आइकन, इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको 10% जो है सीधे सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अमाउंट में, और उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन में प्रोसीड करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अन अकेडमी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करें अन अकेडमी और ज्वाइन करें एमपीपीएससी व्यापम के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।